चलो तो इसमें देखो, वो उसमें तीनों टाइप डिस्कस कर लिए थे ना, डिकम्पोजिशन में टोटल तीन टाइप्स थे, कौन कौन से बताओ। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किए थे सारा। एक थर्मल डिकम्पोजिशन था, थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक 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 डिकम्पोजिशन था, और तीसरा फोटोलाइटिक। तो डिकम्पोजिशन उसमें सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताए थे ना, कलर के साथ क्वेश्चन भी कराए थे बहुत सारा। याद है या नहीं, भूल गए सारा? यस सर बताओ FeSO4 का कलर क्या होता है? किसका FeSO4 का कलर सर ग्रीन और CuSO4 का कॉपर सल्फेट का कलर सर ब्लू ब्लू, PbNO3 लेड नाइट्राइट का, सर वाइट PbNO3 होल ट्वाइस, सॉरी वाइट वाइट। चलो ठीक, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग डाल लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? सर उस एलिमेंट को वहां से रिप्लेस कर इसमें क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव मेटल, हर एक मेटल का, देखो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज होता है, पढ़े हो तुम लोग मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज? चलो पहले ये लिख लो, मेटल जिसको कि एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं हम लोग, मेटल एक्टिविटी सीरीज, मतलब हर एक मेटल का रिएक्टिविटी जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, और कुछ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उसी को हम लोग अरेंज कैसे करते हैं मेटल के एक्टिविटी सीरीज, ये पहले लिख लो। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज क्या है? यह है अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे है। ये तुम लोग पढ़े होगे, याद है कुछ किसी को भी? बोलो तो, कोई पढ़ा है इसको? हेलो, आवाज आ रहा है? सर। हाँ सर आ रहा था। बताओ कोई पढ़ा है मेटल का एक्टिविटी सीरीज? थोड़ा थोड़ा रिएक्टिव हाँ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है बताओ? पोटेशियम पोटेशियम, सोडियम ठीक है, पोटेशियम। यहाँ पर सिंबल भी लिखते जा रहे हैं, के इसके बाद आएगा सोडियम, सोडियम Na, फिर कैल्शियम कैल्शियम Ca, इसके बाद मैग्नीशियम मैग्नीशियम, लिखते जाओ इसको साथ में ही, Mg, इसके बाद एल्यूमिनियम Al, इसके बाद क्या आएगा? फिर जिंक जिंक Zn, इसके बाद आयरन, आयरन का सिंबल फिर Fe Fe,
हेलो। यस सर। कहाँ चले जाते तुम लोग? स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस चलो सर। आवाज आ रहा है ना, बोलते रहना, जब पूछ रहे हैं तो पता नहीं चलता है सर। सिल्वर का सिंबल बताओ क्या आएगा? सर सर एजी एजी सर हाँ ए जी। एजी उसके बाद गोल्ड, गोल्ड का सिंबल एयू AU, ठीक एयू है। उसके बाद प्लैटिनम आता है, प्लैटिनम का सिंबल बोलो। पीटी पीटी पीटी, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, नॉर्मल जितना जनरल मेटल का जरूरत है हमको उतना ही है, और भी मेटल्स होते हैं इसमें लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये क्या है, ऊपर से नीचे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब रिएक्ट हाइड्रोजन रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्यों है सर? क्या बोल रहे हो? हाइड्रोजन क्यों? मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्यों? हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे रेफरेंस के लिए यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के बेसिस पे ही कंपेयर करते हैं हम लोग। कुछ अगर रिएक्शंस पढ़ोगे तो होता है कि जो रिएक्शन जो 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 मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर रहते हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होते हैं तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आगे फर्दर रिएक्शंस हम लोग करेंगे तो वहां पे एक्चुअली ये मेटल है नहीं, इसको रेफरेंस के लिए हम लोग यूज किए हैं इससे कंपेयर करने के लिए, हाँ ठीक है। चलो हाँ ये मेटल का एक्टिविटी सीरीज है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटल का रिएक्टिविटी ये घटते जाएगा। सबसे मोस्ट रिएक्टिव हो गया पोटासियम, ये याद रखना है क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाएंगे। ये याद नहीं रहेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्शन नहीं लिख पाओगे प्रोडक्ट। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव हो गया पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। लिख लिया उसको सब लोग? यस चलो तो ये हो गया। अब इसमें देखो डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहे हैं, उसमें बताना कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले पहला एग्जांपल लिख रहे हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, Fe। ये बताओ ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा सर। अब यहाँ पे तुमको चेक करना होगा, वही एक्टिविटी सीरीज तुमको देखना होगा। तो यहाँ पे देखो एक ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो बना हुआ है, ये सॉल्ट किसका है? कॉपर का सॉल्ट है, और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं आयरन के साथ। तब कॉपर और आयरन में कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है बताओ? रिएक्टिविटी सीरीज देखो, आयरन आयरन है। जो आयरन जब भी एक मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो हमेशा जो है एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा? ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया तो ये बन गया FeSO4, और यहाँ से कॉपर निकल गया। समझ में आया? ये इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये उल्टा रहता, जैसे मान लो FeSO4, अब यहाँ पे कॉपर डाल, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा बताओ? बोलो।
हेलो नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना हुआ है ये Fe का है, आयरन का है, और यहाँ पे मेटल है कॉपर। अब इन दोनों में मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है? आयरन है। कॉपर तो उससे लेस रिएक्टिव हो गया ना, तो हमेशा ध्यान रखना एक मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को कभी भी नहीं हटा सकता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव हो गया आयरन और लेस रिएक्टिव है कॉपर, तो कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या उसके सॉल्ट से? नो सर, नहीं कर पाएगा। तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे तुमको इसलिए बोल रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज याद होना बहुत जरूरी है। चलो अब ये बताना Zn plus FeSO4 ये होगा या नहीं होगा? Zn plus FeSO4 नहीं होगा, नहीं होगा। रिएक्टिविटी सीरीज एक बार चेक करो। अब यहाँ पे जिंक और आयरन में कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है? सर जिंक, जिंक है। तो ऑब्वियसली जिंक अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो आसानी से डिस्प्लेस कर देगा ना Fe को। यस सर। तो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ? सर Zn SO4 plus Fe। ठीक है, कोई डाउट? तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया ना? जिस रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। अब इसमें एक एक्टिविटी भी देखोगे तुम्हारे बुक में रहता है एनसीईआरटी में कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, ठीक है, एक बीकर ले लिया है और इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4 का, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आयरन नेल्स हम लोग ऊपर से ऐसे डाल दिए हैं, इसमें आयरन नेल्स यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे ही आयरन नेल्स इसमें डालोगे, ठीक है, ये आयरन नेल्स हम लोग डाल दिए, आयरन नेल्स डालोगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये सोल्यूशन ब्लू कलर जो है इसका सोल्यूशन का ब्लू कलर चेंज होकर ये ग्रीन में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे पेल लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? लाइट ग्रीन सॉल्यूशन मिलता है हमको, ठीक है। और यहाँ पे जो आयरन नेल्स था शुरुआत में वो शाइनी था, वो शाइनी अपीयरेंस था क्योंकि नया आयरन नेल्स है तो वो शाइन करता है ना। उसमें देखोगे कि नया आयरन नेल्स जब इसको निकाला गया, बाहर निकाला गया, तो इसके ऊपर ब्राउन कलर का डिपॉजिट पाया गया, ठीक है, ब्राउन कलर का यहाँ पे डिपॉजिट पाया गया। तो इसको एक्सप्लेन करना है तुमको, बताओ तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? Obviously, यहाँ सर, जो कॉपर है उसके ऊपर चढ़ जा रहा होगा, यहाँ पे obviously कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है ना, ब्लू कलर से ये किस में चेंज हो गया? लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में चेंज हो गया। तो जहाँ भी कलर चेंज हो रहा है तो obviously कलर चेंज अपने आप तो नहीं हो रहा होगा, obviously कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तभी तो कलर चेंज हुआ। तो यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? वो आयरन नेल्स Fe का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है और इसको रिएक्शन करेगा CuSO4 के साथ। तब आयरन और कॉपर में हमको पता है कौन मोर रिएक्टिव है? आयरन मोर रिएक्टिव है, है ना? ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो ये बन गया FeSO4 और यहाँ से कॉपर निकल गया बाहर। तो ये FeSO4 का कलर कैसा होता है? ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। और यहाँ कॉपर का डिपॉजिट जो होता है, ये कॉपर का डिपॉजिट ये ब्राउन कलर का डिपॉजिट होता है। तो जो आयरन नेल्स हम लोग शुरुआत में लिए थे शाइनी जो था, बाद में रिएक्शन होने के बाद उसके ऊपर कॉपर जाकर डिपॉजिट होते जाएगा। तो डिपॉजिट अगर कॉपर होते जाएगा तो वो शाइनी अपीयरेंस वो लूज कर देगा और उसके ऊपर देखोगे एक ब्राउन कलर का कोटिंग चढ़ गया, एक ब्राउन कलर का लेयर डेवलप होते जाएगा उसके ऊपर। तो वो ब्राउन कलर का लेयर कौन से मेटल का है? वो एक्चुअली कॉपर का लेयर है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। ये तुमको रिएक्शन लिखना होगा, ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट रिएक्शन ऐसे लिखिए, ये सॉलिड फॉर्म में था, ये एक्वस है और ये एक्वस हो गया और यहाँ से ये सॉलिड फॉर्म में, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन ही है। तो ये इक्वेशन और तुमसे पूछा जाएगा ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो ये किसका
एग्जांपल हो गया एक डिस्प्लेसमेंट ठीक है. कोई डाउट इसमें? नो सर. तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो इसके लिए तुमको ये सिंपल है, बस मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो याद नहीं होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो उसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं. पीडीएफ भेजेगा ना सर? तो इसका मतलब लिखोगे नहीं क्या? तो अभी कर क्या रहे हो? लिखो अभी बैठ के. तुम सर के लिंक कर. हाँ, पापा लेके नहीं बैठे हो? लिया हूँ सर. आराम से लिखते हो सर? ये तो ऐसे ही आ गया. आगे लिख दूसरे क्लास का. लिखो अभी, अभी तो लिखने का टाइम दे ही रहा है, तो लिख लो अभी. चलो, किसी को डाउट है इसमें यहाँ तक? नहीं सर. ये वाला रिएक्शन होगा या नहीं बताओ तो. Pb plus CuCl2, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? बोलो जल्दी. यस सर. तो यहाँ पे देखो, नहीं होगा. होगा या नहीं होगा? आसानी से मोर रिएक्टिव है तो ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा. प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? PbCl2 और प्लस Cu. ठीक है. नहीं, अगर उल्टा रहता तो फिर नहीं होता. अगर ये होता PbCl2 plus Cu, ये होगा या नहीं होगा बताओ तो. नो सर. क्यों होगा ना? तो इस केस में कॉपर जो है ये लेड से लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा. तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ये ध्यान रखना. तो इसलिए बोल रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज याद रहना चाहिए तुमको. चलो, हो गया ना? लिख लिया इसको? एग्जाम्पल सब नोट करते जाओ. हो जाएगा तो बोलना, आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. यस सर. हो गया? चलो. तो ये हो गया तीसरा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट. फोर्थ टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे ये कौन सा है बताओ? डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ये ध्यान रखना. इसका स्टेटमेंट लिखो पहले, डेफिनेशन. द रिएक्शन इन विच In which mutual, the reaction in which mutual exchange of ions takes place between the salt solution is known as double displacement reaction. ठीक है. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा होगा, मतलब
डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ एक मेटल जो है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा था, वहां पे एक सॉल्ट सॉल्यूशन था और एक मेटल था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों रिएक्शन जो होगा सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में ही होगा, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, देखो रिएक्टेंट में क्या क्या लिए थे, एक जगह मेटल था और एक सॉल्ट सॉल्यूशन था, तो वहां पे एक मेटल डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन दो सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में ही होगा और दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयंस का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जांपल है जैसे Na2SO4, कौन सा कंपाउंड है ये बताओ तो, Na2SO4 फॉर्मूला क्या है इसका, Na2SO4 इसका नेम क्या होगा बोलो। हेलो, सोडियम सल्फेट। हाँ, सोडियम सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं BaCl2 के साथ। BaCl2 कौन सा कंपाउंड है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन है यहाँ पे, अब इन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयंस का। देखो सोडियम जो है इसका जो कैटायनिक स्पीसीज है, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाएगा और इस वाले सॉल्ट का कैटायन जो है वो इसके एनायन के साथ चला जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब पहले वाले सॉल्ट का कैटायन वो दूसरे वाले सॉल्ट के एनायन के साथ जाएगा और पहले वाले सॉल्ट का एनायन दूसरे वाले सॉल्ट के कैटायन के साथ जाएगा, तभी तो सॉल्ट बनेगा ना। सॉल्ट बनाने के लिए एक कैटायन चाहिए और एक एनायन चाहिए, तो दोनों के कैटायन एनायन के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, म्यूचुअल एक्सचेंज होने की वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, Na2Cl2, Na2Cl2, Na2। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, बोलो। हेलो, सोडियम का वैलेंस वन और क्लोरीन का भी वैलेंसी वन होता है, तो अगर ये दोनों सॉल्ट बनाएगा तो NaCl बनेगा ना, ठीक है। तो NaCl सॉल्यूशन बना एक्वस और प्लस बेरियम इधर का किसके साथ कंबाइन करेगा, सल्फेट के साथ। तो बेरियम का यहाँ पे वैलेंसी है +2, यहाँ पे वैलेंसी ध्यान रखना, और सल्फेट का -2 होता है। तो ये दोनों अगर सॉल्ट बनाएगा तो BaSO4 बन जाएगा। तब BaSO4 जो होता है ना ये बनेगा, ये डाउनवर्ड एरो है। तो लास्ट क्लास में बताया था डाउनवर्ड एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है। बेरियम सल्फेट जो है एक व्हाइट कलर का यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलता है हमको, ये व्हाइट कलर का व्हाइट पीपीटी मिलेगा। तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब पानी में ये सॉल्युबल नहीं होगा, तो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा तो इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर रहे हैं। डाउनवर्ड एरो मतलब ये नीचे जाके सेटल होते जाएगा, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ये कम्प्लीट रिएक्शन हो गया। और ये है सोडियम क्लोराइड, बैलेंस कर लो इसको, बैलेंस करने के लिए दो क्लोरीन, चलो यहाँ पे सिर्फ 2 पुट कर दिए तो ये बैलेंस। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका प्रेसिपिटेट का कलर भी याद रखना, BaSO4 का कलर जो होता है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। चलो एक और एग्जांपल ले रहे हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल टूस एक्वस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये है लेड नाइट्रेट और Ki कौन सा सॉल्ट है, पोटेशियम आयोडाइड। अब यहां पे देखो दो एक्वस सॉल्यूशन, मतलब दो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे
म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। इधर का लेड जो है वो इसके आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और इधर का पोटेशियम जो है इसके नाइट्रेट के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, प्रोडक्ट बताओ मेरे को। फाइनल रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। अरे तो तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? बताओ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? लेड अगर आयोडीन के साथ गया तो लेड आयोडाइड बनेगा। लेड का यहाँ पे वैलेंसी कितना है बताओ? लेड का वैलेंसी कितना है यहाँ पे PbNO3 होल ट्वाइस में? ये भी नहीं पता है तुम लोगों को। नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है? नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? अरे यार ये सब पढ़े होगा ना नाइन्थ में। NO3 माइनस वन होता है और लेड का Pb यहाँ पे प्लस टू है, तभी तो एक्सचेंज होता है ना, वैलेंसी का एक्सचेंज होता है तो कंपाउंड बनता है PbNO3 होल टू। तो लेड का यहाँ पे वैलेंसी कितना है बताओ जल्दी। तो प्लस टू है और ये आयोडीन के साथ कंबाइन करेगा तो आयोडीन का यहाँ पे वैलेंसी कितना है? माइनस वन है। ये बनेगा PbI2, ये है लेड आयोडाइड। अब यहाँ पे डाउनवर्ड एरो से शो कर रहे हैं, डाउनवर्ड एरो का मतलब ये भी क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट मिलेगा और ये येल्लो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येल्लो PPT, ये ध्यान रखना, कलर याद रखना है। लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट ये येल्लो प्रेसिपिटेट होता है और पोटेशियम अगर नाइट्रेट के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनेगा KNO3, ये एक्वस, ये हो गया पोटेशियम नाइट्राइट, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये भी हो गया एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया जहां पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट का कलर याद रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट है, लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट है। अब इसमें देखो मोस्टली हम लोग तो देख रहे हैं कि इस टाइप के रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं हम लोग? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। इसका दूसरा नेम क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसको बताओ? Why it is known as precipitation reaction? The reaction वो पानी में soluble नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्सटेंस बना रहा है, प्रोडक्ट हमको ऐसा मिल रहा है जिसमें कि एक प्रोडक्ट है जो कि इनसॉल्युबल है, पानी में सोल्यूबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं precipitation reaction, the reaction that produces a precipitate is called precipitation reaction, ठीक है, जिसमें precipitate का formation होगा उसको precipitation reaction। तो double displacement का example जो है, जो double displacement का example होगा वही किसका example हो जाएगा? precipitation का भी example हो जाएगा, क्योंकि double displacement में हम लोग देख रहे हैं कोई एक product ऐसा मिल ही रहा है जिसमें कि वो precipitate बन रहा है। ये दोनों एग्जांपल हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। बैलेंस करो इसको, ये वाले रिएक्शन को, लास्ट वाले रिएक्शन को।
बैलेंस है क्या? बैलेंस करके बताओ क्या आएगा? हेलो, हो गया बैलेंस? क्या है बताओ? नहीं सर, नहीं वो करो जल्दी से। बस यहाँ पे आके टू पुट कर दें और क्या है, और यहाँ पे टू पुट कर देना है, हो गया बैलेंस, है ना? और कुछ करना है क्या? देख लो, नो तो प्रेसिपिटेशन का अगर एग्जांपल पूछा जाएगा तो ये दोनों एग्जांपल तुम लोग लिख सकते हो। प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो गया, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गया, ठीक है? हो गया ना, नोट कर लिया सब लोग इतना? यस सर। जल्दी करो, हो गया तो बोलो। यस सर। हो गया सबका? यस। चलो ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट टाइप हम लोग फिफ्थ टाइप पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये पढ़े हो क्या तुम लोग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? यस सर। क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं हम लोग? सर वो उसके ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन याद रखना, इसको दो दो टर्म, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में बाद में देखेंगे, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में देखते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी ऑक्सीडेशन ही बोला जाता है। या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हो, रिडक्शन की जगह रिमूवल लिख सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों किसको बता रहा है? ये दोनों ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है? और दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इस बार होगा एडिशन किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और प्लस रिमूवल किसका होगा बताओ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो ये ध्यान रखना, ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा वो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वैसा रिएक्शन जिसमें कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लिख देते हैं यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction takes place is known as redox reaction, ठीक है? अब देखो रिडॉक्स में नेम ही है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, मतलब रिडॉक्स जो होता है, लिख लिया हो क्या इसको? रिडॉक्स है ना, तो देखो आर ई डी जो है, ये आर ई डी ये रिडक्शन को डिनोट कर रहा है, और ओ एक्स जो होता है ये ऑक्सीडेशन को डिनोट करता है, ठीक है? तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? ये लिखो पहले,
फिर एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे. लिख लिए? हेलो. यस सर. चलो अब एग्जांपल देख रहे हैं इसका हम लोग. ऑक्सीडेशन का एग्जांपल पहले लो. चलो एग्जांपल है, जैसे मान लो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, Cu प्लस O2. ठीक है, कॉपर का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये बना रहा है CuO कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, यहाँ टू आ जाएगा और यहाँ टू. बताओ तो ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है या रिडॉक्स है? ऑक्सीडेशन. कॉपर देखो, शुरुआत में कॉपर लिए थे, प्रोडक्ट में कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? ऑक्सीडेशन. तो ये ऑक्सीडेशन हो गया. हेलो. हाँ हेलो सर, हम क्लास अभी ज्वाइन किए हैं. सो रहे थे? नो सर, ये दूसरा क्लास अटेंड किए थे ना, इसलिए नेट नहीं चल रहा था. तो फिर क्या करें बताओ, क्या किया जाए? तो देखो अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, वो देख लेना बाद में. ठीक है. ओके सर. चलो अब ये बताना, ये एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं CuO प्लस H2. ठीक है, अगर कॉपर ऑक्साइड जो बना है उससे हाइड्रोजन गैस अगर पास कर दें तो ये बनेगा कॉपर प्लस H2O. अब इस रिएक्शन में बताना क्या क्या हो रहा है. अब देखो कॉपर ऑक्साइड है इनिशियली, रिएक्टेंट लिए हैं, प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं कॉपर बच गया सर, तो इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना. शुरुआत में रिएक्टेंट साइड में इसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे निकल गया है. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं इसको हम लोग. yes, बोलो sir. तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहे हैं हम. रिडक्शन. ये वाला रिएक्शन किसको बता रहा है? ये वाला रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर में गया है इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं. ठीक है. अब देखो हमेशा तुम लोग रिएक्टेंट से कंपेयर करोगे. अब रिएक्टेंट साइड में देखो यहाँ पे सिर्फ एच टू है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट में चले गए तो एच टू ओ मिल गया, मतलब एच टू में क्या हो गया, ऑक्सीजन एड हो गया ना. एच टू में क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन एड हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये वाला प्रोसेस किसको बता रहा है, ऑक्सीडेशन को बोल रहा है. मतलब इस वाले रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. मतलब ये वाला जो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर जो बन रहा है ये रिडक्शन को डिनोट कर रहा है, और H2 से जो H2O बन रहा है ये ऑक्सीडेशन को डिनोट कर रहा है. तो वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, समझ में आया? यस सर. अब यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये चीज ध्यान रखना,
रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये उल्टा होता है. सब्सटेंस विच, ये लिख लो पहले, विच अंडरगोज रिडक्शन उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ये चीज ध्यान दो. रिड्यूसिंग एजेंट अगर तुमसे पूछा जाए तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर तुमसे पूछा जाए तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. तो यही वाले एग्जाम्पल में देखो, इस वाले एग्जाम्पल में तुमसे पूछा जाए कि बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, बताओ तो. रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट है मेरे पास, हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड. अब इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा वो हमको आइडेंटिफाई करना है. बताओ रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन होगा. हाँ, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का या हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन H2 का हो रहा है ना ऑक्सीडेशन. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो इसमें एग्जांपल रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या हो गया, अगर तुमसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया इस क्वेश्चन में तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिखोगे, ये हो गया H2. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे बताओ, किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा होगा. रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, हेलो, क्लियर है ना सबको? चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, ये बताओ जल्दी से. Fe2O3 प्लस Al है, ये बन रहा है Al2O3 प्लस Fe. इसमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जल्दी बताओ. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होगा और एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट होगा और Fe ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, आयरन. कहाँ से आ जाएगा यार, रिएक्टेंट में देखो ना, रिएक्टेंट्स में ही दोनों में से कोई एक होगा. आयरन कहाँ है रिएक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो चेक कर लो, यहाँ पे देखो Fe2O3 है और प्रोडक्ट में जा रहा है Fe, तो Fe2O3 से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया तभी तो Fe बचेगा. तो इस केस में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं. तो ये वाला प्रोसेस है रिडक्शन. अब Al में देख रहे हैं हम लोग, जैसे ही ये प्रोडक्ट में गया तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, Al2O3 बन गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, है ना. यहां तक कोई डाउट किसी को? तब तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमसे पूछा गया, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, Fe2O3 का हो रहा है. तो Fe2O3 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al. एल्यूमिनियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया Fe2O3. ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछो जल्दी. नो सर. हो गया,
हेलो यस सर यस सर कोई डाउट है किसी को यहाँ तक जल्दी बोलो नो सर चलो फिर ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देता है ठीक है आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ तक आज डाउट नहीं है ना किसी को देख लो एक बार फिर से स्टार्टिंग से जल्दी बताओ डाउट है तो हेलो नो सर नहीं है चलो फिर तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ये पीडीएफ भेज दे रहे हैं हम ठीक है बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ठीक है